Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to learn class 7th English, class 7th Maharashtra Board English, unit 4, 4.1, under the greenwood tree. Before starting this video, please like, subscribe and share my video so that you can receive the notifications of upcoming videos. Please don't forget to subscribe my channel. 4.1. Under the greenwood tree. This poem is written by William Shakespeare. The poet William Shakespeare tells about the happiness of living in nature without fearing one's enemies. The poet invites the people who share his feelings to join him under the greenwood tree. He says that these people should sing merrily and listen to cherry note of a happy bird. He asks them to come here, for they shall be see no enemies there except winter and rough weather. He asks those people who do not pursue ambition, who love to live in the sun and are happy with the food that they get to eat, to come there into the lap of nature. He repeats that they shall see no enemies here there except winter and weather. देखिए ये जो विलियम शेक्सपियर ने ये पोयम लिखा है ये बहुत ही अच्छी पोयम है. यहाँ पे लिखा है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, मतलब जो मैं यहाँ पे ये पेड़ के नीचे जो है लेटा हूँ. अंडर द ग्रीनवुड ट्री मतलब कि मैं यहाँ पे लेटा हूँ. हु लव्स टू लाई विथ मी एंड टर्न हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड थ्रोट्स. कम हितर कम हितर कम हितर हियर शाल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रीनवुड ट्री के नीचे मैं हूँ, जिसको मेरे साथ रहना पसंद है, एंड टर्न हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट. कम हितर कम हितर कम हितर हियर शाल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर. ये जो ट्री के नीचे मैं बैठा हूँ और जिसको जिसको मेरे साथ रहना है, और वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आपकी कोई भी दुश्मन नहीं है. हियर शाल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर, लेकिन विंटर बट विंटर और रफ वेदर के अलावा, मतलब कि आपको उस आपको सिर्फ एक ही चीज का सामना करना होगा, वो है ठंडी और रफ वेदर, और इसके अलावा आपका यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है. अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हु डॉट एम्बिनेशन एंड लव्स टू लिव इन द सन सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज विथ वॉट ही गेट्स. कम हितर कम हितर कम हितर मतलब कि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आपको आपके अंदर अगर आप लोग ये चीजें कर सकते हैं तो आप यहाँ पे आइए. यहाँ पे देखिए, अगर आप खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं तो आप आ सकते हैं सन के नीचे. सीकिंग द फूड ही ईट्स, और आपको जो मिले वो आप जो आपको खाना मिले वो आप खा सकते हैं. एंड प्लीज्ड विथ व्हाट ही गेट्स, और आपको उसमें सेटिस्फाई रहना पड़ेगा जो आपको खाने को मिलेगा. मीन्स आपको ज्यादा मांग नहीं रखना है. कम हितर कम हितर कम हितर वो यहाँ पे आ सकते हैं. हितर मतलब क्या होता है, दिस इज ओल्ड इन इंग्लिश वर्ड. हियर होता है, हियर मतलब इधर, मतलब यहाँ पे आ सकते हैं. हियर शाल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर. यहाँ पे आपके कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन रफ वेदर और विंटर के अलावा, यानी ठंडी के अलावा, जो आपको चीज का सामना करना पड़ेगा वो है ठंडी बस, और आपको इसके अलावा आपका यहाँ पे कोई भी दुश्मन नहीं है. आई होप आपको ये पोयम समझ गई रहेगी. इफ एनी डाउट इन दिस पोयम If you have any doubt in this poem, you can comment me on the comment box. And please don't forget to share my videos. This is very helpful video for all of you.